हेलो एवरीवन, नेशनलिस्ट मूवमेंट टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन 1939 to 1947, ये स्पेक्ट्रम के बुक का चैप्टर नंबर 10 है और पार्ट 1 है। देखिए, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो इससे डिफरेंट पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, ये हमारा सब टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, जब सितंबर 1 को 1939 को जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, कैसे होता है, जब जर्मनी जो है वो अटैक करता है पोलैंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर 3 सितंबर को 1939 को जो ब्रिटेन है वो किस पे अटैक कर देता है, जर्मनी पे, ठीक है। यहाँ से देखिए, जर्मनी पोलैंड पे करता है तो ब्रिटेन जो है वो जर्मनी पे जो है वो अटैक कर देता है। और ये जो ब्रिटेन है ये चाहता है कि इंडिया का जो सपोर्ट है वो इसे मिले इन द वॉर, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का क्या पोजीशन रहता है वो देखते हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि जो हॉस्टिलिटी जो कांग्रेस की थी वो ये थी टुवार्ड्स द फैसिज्म, नेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म, कि ये जो है मच मोर कंसिस्टेंट है देन द ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, और ये इन सब के जो है खिलाफ थे। लेकिन जो इंडियन ऑफर कर रहे थे टू कोऑपरेट इन द वॉर, इसके पीछे दो कंडीशंस ये बताते थे। आफ्टर द वॉर ये कहते थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो देनी चाहिए टू डिटरमाइन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्री इंडिया। तो पहली डिमांड क्या थी कि ये सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को इन द वॉर, पहली कि इनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई जाए इनकी अलग से, किस लिए, टू फ्री इंडिया के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सके। दूसरी बात ये चाहते थे, इमीडिएटली सम फॉर्म ऑफ द जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी एस्टेब्लिश एट द सेंटर। दूसरी बात कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर पे, ठीक है। तो ये दो डिमांड्स जो थी वो इंडियंस की थी, और जो ऑफर था ये वाला वो रिजेक्ट कर लिया गया बाय द लिंगलिट्गो, ठीक है। तो जो लिंगलिट्गो कौन थे, वॉइसराय, ठीक है। तो लिंगलिट्गो जो कि एक वॉइसराय थे उस टाइम पे, इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया ऑफर। और जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि अगर आपने ये भी रिजेक्ट कर दिया तो पब्लिक ओपिनियन हम लेंगे फॉर द वॉर, कि हमें हेल्प करनी आपको या नहीं करनी। अब हम बात करेंगे CWC मीटिंग एट वर्धा, तो उसमें गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और अदर सोशलिस्ट एंड नेहरू ने क्या क्या बातें बताई वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले देख लेते हैं कि जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है तो 3 सितंबर को ब्रिटेन जर्मनी पर अटैक कर देता है। उसके बाद कांग्रेस के और जो ब्रिटेन होता है वो ये कहता है कि इंडियंस जो है वो इस वॉर में इनका सपोर्ट करें, लेकिन कांग्रेस के जो है वो दो तीन जो है वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई जाए जो कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सके फॉर द फ्री इंडिया, और सेकंड बात कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर के अंदर। और लिंगलिट्गो ने जो कि एक वॉइस राय था उस टाइम पे, उसने जो है ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एंड देन कांग्रेस वांट्स कि पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए कि उन्हें वॉर में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो आगे इसी में ही चल रहा है अभी सब कुछ, ठीक है। तो CWC मीटिंग एट वर्धा, ठीक है। तो इसमें जो है डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो उठाए जाते हैं इंडियंस के द्वारा, कि अगर वो सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, नहीं करते तो क्या होगा। तो इसमें जो है पहला, गांधी जी बोलते हैं, वो एडवोकेट करते हैं एन अनकंडीशनल सपोर्ट्स टू द अलाइड पावर एज ही मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड द टोटलिटेरियन नाजीज। तो ये कहते हैं कि अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं ना अलाइड पावर्स को, तो ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन चाहते हैं कि यूरोप एंड नाजीज के, वेस्टर्न यूरोप एंड नाजीज के बीच में, कि कौन सी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं और कौन सी नहीं हैं। सेकेंड नंबर पर आते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस और कुछ और सोशलिस्ट, वो आर्ग्यूट करते हैं कि जो वॉर है वो एक इम्पीरियलिस्ट है, ठीक है,
इनको पता था कि अगर ये वॉर जीत भी जाते हैं तो इन्होंने फिर भी सपोर्ट नहीं करना है इंडिया को, ठीक है, क्योंकि बोथ साइड्स वर फाइटिंग फॉर गेनिंग एंड डिफेंडिंग कॉलोनियल टेरिटरीज, कि जो भी ये यूरोप की जो पावर्स आपस में लड़ रही थी वो किसके लिए लड़ रही थी, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये कॉलोनीज को जो है वो बंद कर देंगे? तो इसका कहने का मतलब कि जो भी ये पावर्स लड़ रही हैं ना वो यही गेन करना चाहती है, कॉलोनियल टेरिटरीज को गेन करना चाहते हैं, टू गेन कॉलोनियल टेरिटरीज। फिर ये कहते थे कि फिर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि हम इनको सपोर्ट करें, तो ये बिल्कुल खिलाफ थे कि हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए उनको। एंड द क्वेश्चन ऑफ सपोर्टिंग आइदर ऑफ द टू साइड्स डिड नॉट अराइज, मतलब दोनों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें एक को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इंस्टेड एडवांटेज शुड बी टेकन ऑफ द सिचुएशन टू अरेस्ट फ्रीडम बाई इमीडिएटली स्टार्टिंग अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें इमीडिएटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और तीसरा हमारे पास नेहरू का व्यू आता है, वो कहते हैं कि हमें शार्प, इन्होंने शार्प डिस्टिंक्शन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की बिटवीन द डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एंड फैसिज्म, ठीक है। फैसिज्म क्या होता है कि जो ये डिप्लोमेटिक रूल्स करते हैं थे ये ब्रिटिशर्स, उनकी एक पॉलिसी थी, ठीक है। एंड ही बिलीव दैट द जस्टिस वॉज ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटेन, फ्रांस एंड पोलैंड, बट ही वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट द ब्रिटिश एंड फ्रांस वर द इम्पीरियलिस्ट पावर, कि ये कलोनीज बनाने वाले हैं, कि मतलब एक्सपेंड करेंगे अपनी कलोनीज को। नेहरू का ये मानना था कि हमें फ़ायदा भी हो सकता है इनको सपोर्ट करके, लेकिन ये जो दो पावर्स लड़ रही हैं फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये जो है ये दोनों जो पावर्स आपस में लड़ रही हैं ये इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं, ठीक है। कॉलोनीज डेवलप करेंगे एंड देन उसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन पार्टिसिपेशन टिल इंडिया इटसेल्फ वाज फ्री, मतलब पार्टिसिपेट करेगी लेकिन अगर आप उनको फ्री करोगे तो, अगर आप उन्हें ऐसा आश्वासन देते हैं कि आप इंडिया को फ्री कर देंगे देन तो ये सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अदरवाइज नो, ओके। एंड एट द सेम टाइम नो एडवांटेज वाज टू बी टेकन ऑफ ब्रिटेन्स डिफिकल्टी बाय स्टार्टिंग एन इमीडिएट स्ट्रगल, तो कोई एडवांटेज भी नहीं दे रहे थे कि जो इंडियंस जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, जो उनको कुछ एडवांटेज भी ब्रिटिशर्स जो है वो नहीं दे रहे थे, ठीक है। कुछ भी वो मांगते थे तो वो टाल देते थे, वॉर के बाद देंगे आपको, अभी आगे जाके बताएंगे कि कैसे जो है वो वॉर में जब पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं फिर वो खुद से जो है कुछ डिमांड्स देते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, जैसे अगस्त ऑफर आएगा, ठीक है, तो वो अभी आप आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो CWC मीटिंग एट वर्धा में आपको इन तीनों जो लीडर्स थे इनके थोड़े थोड़े पॉइंटर्स जो हैं वो याद रखने हैं, ठीक है, गांधी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, ठीक है, इनके, ओके, आगे चलते हैं। तो अब CWC का जो रेजोल्यूशन आता है, ठीक है, जो कि कंडेम्ड करता है फैसिस्ट एग्रेशन को, ठीक है, ये रेजोल्यूशन किसके अगेंस्ट में आता है, जो कि फैसिस्ट अग्रेशन के अगेंस्ट में था, ठीक है। इसमें कुछ बातें कही गई थी कि इंडिया कुड नॉट बी द पार्टी टू अ वॉर बीइंग फोट ऑब्सटेंटली फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम वाइल दैट फ्रीडम वॉज बीइंग डिनाइड टू इंडिया। तो ये कहते थे कि हम वॉर का पार्ट नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि ये फिर से जीतने के बाद जो है इंडिया को फ्री नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं ये मुकर ना जाए कि हम जो है वो आपको मतलब रूल नहीं, सेल्फ रूल नहीं, सेल्फ रूल करने देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट आपको पता चल गया कि इंडिया कुड नॉट बी द पार्टी टू वॉर, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं वो डिनाई ना कर दे, फ्रीडम डिनाइड ना हो जाए टू इंडियंस। सेकेंड बात कि इफ़ ब्रिटेन वॉज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इट शुड प्रूव इट बाई एंडिंग इम्पीरियलिज्म इन इट्स कलोनीज, ठीक है, एंड फुल डेमोक्रेसी देनी चाहिए इंडियंस को। तो सेकेंड पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि अगर ये कहते हैं ना कि हम जो है रूल नहीं करेंगे, आपको फ्रीडम दे देंगे इंडिया को, तो इनको जो ब्रिटेन वालों को जो है ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी प्रोवाइड करेंगे और कॉलोनीज को जो है डेमोक्रेसी, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करेंगे और कॉलोनीज को जो है
वो एंड कर देंगे। कहने का मतलब वो यहाँ से चले जाएंगे भारत में से। तीसरी बात ये आती है कि गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वॉर्स एम सून एंड एज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वर टू बी अप्लाइड टू इंडिया। तो इंडिया को सॉरी गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये बताना होगा कि कैसे प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये लेके आएगी टू फ्री द इंडिया, ठीक है, जो कि इंडिया को फ्री करने के लिए अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये तीन बातें CWC रेजोल्यूशन में आएंगी, तो ये याद रखिएगा। और जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो ये भी चाहती थी टू गिव द एवरी चांस टू द वॉइस रॉय एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ये सब कुछ डिसाइड कर ले और हमें फिर बताए, उसी हिसाब से हम फिर आपकी हेल्प करनी होगी तो करेंगे, वॉर में नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। एक बारी दोबारा से देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। तो ये CWC रेजोल्यूशन आया किसके अगेंस्ट में था, फैसिज्म एग्रेशन के, और ये कहते थे कि जो फ्रीडम देनी है, जैसे मान लो हमने आपकी हेल्प कर दी तो हमें क्या गारंटी है कि आप हमें फ्रीडम देंगे, कहीं आप मुकर ना जाएं, फ्रीडम से डिनाई ना कर दें। सेकेंड पॉइंट कि जो ब्रिटेन है उसको प्रूफ करके दिखा, कुछ प्रूफ देना होगा हमें कि वो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं और आगे जाके वो कॉलोनीज को एंड कर देंगे एक्सपेंशन की जगह। तीसरी बात कि गवर्नमेंट को जो है वो डिक्लेयर करनी चाहिए अपने एम्स प्रिंसिपल्स कि कैसे वो इंडिया को फ्री करने के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाएगी। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है CWC रेजोल्यूशन में, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का